तुझे मुझे तो गिराना ही है ना, तूने मेरे को तो इज्जत दे दी ही नहीं। दे दी मामा। आज फिर से धीरज को चोट लगी, बेचारे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। खाना आते ही उस पे टूट नहीं पड़ते, आपको पता है आपकी फ्रेंड ब्लॉगर है और पहले वो ब्लॉग बनाएगी। एक काउंटर पे सर लगे, एक काउंटर पे गरिमा लगी, फटाफट ये दोनों टिकट ले और हम यहाँ से निकले घर जाए। ये साफ पता लग रहा है इसने किसी से लड़ाई करी और किसी ने इसको गला दबाने की कोशिश करी और उसका नेल लग गया। नींद खोल ले, 11 बज रहे हैं। 6 hours later. तो मीटिंग से आ गई थी, मीटिंग से आने के बाद ऑनलाइन क्लास ली, ऑनलाइन क्लास के बाद लंच किया, लंच के बाद अभी मैं आ गई फिर से शाइना के घर। अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने मूवी के लिए, है ना। Yes. और कह रही है कि ना पिछले ब्लॉग में ना तूने मुझे कुछ ऐसे बोल दिया था जिस वजह से मैंने ब्लॉग किसी को दिखाया। गलत बात है यार ये तो। चुप रहना, मैं शेयर किया और ना ही मैंने तो दिखा दिया, शेयर कर दिया खुद ही। आज वाले ब्लॉग किया था, दिल देना था, अंगूठा देना था ना। हाँ, आज वाले ब्लॉग में ना शाइना की तारीफ करूंगी जाके फिर ये शेयर करिए। तो गलत बात है यार, जिसमें तारीफ होती है उसमें ये लोग शेयर करते हैं, जिसमें नहीं होती है तो गलत है। अब इसको ये नहीं पता यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, तो नहीं भी शेयर करेगी वहाँ भी तेरे चाहने वालों के पास चला जाएगा वो, फिर तू क्या करेगी। हम इसमें तारीफ कर देंगे, कितनी छोटी छोटी है ना यार वॉइस, क्यों भाई गलत वाला ले इसकी। वो तो फोन देखती ना, तुमने उसकी फोटो नहीं देखी, तुझे दिखाई नहीं मैंने। हाँ अभी तो छोटे 4 महीने की अभी। हाँ ये मैंने देख लिया, मम्मी ने लगाई थी। हाँ ये देखिए मैंने ऐसी ऐसे से ले लेती हूँ। मूवी के लिए जो जो शॉपिंग करनी थी अभी वो कर लिया, अब हमें लगी थी भूख तो हम आए पाव भाजी खाने। पाव भाजी खानी, कुछ और खाना है? क्यों क्यों पाव भाजी? पाव भाजी तो मुझे अच्छी लगती है, मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है। अब बोलो मुझे पाव भाजी बहुत, और मुझे तू बहुत पसंद है, तो मैं तुझे खा जाऊँ? अभी मैंने एक ही बोली है। हाँ, ठीक, मेरे को पता था तेरा मक्खन तो नहीं देंगे उसके, अलग ही देंगे ना शायना। मैं नहीं आई सचिन के साथ यहाँ पर, तो हर जगह मतलब जो भी खाने वाली जगह वहाँ तेरा और सचिन का आना जरूरी है, क्योंकि वो खिलाता ना वहाँ। मैं खिला दूंगी यहाँ के, हर बार तू ही खिलाएगी, ऐसा थोड़ी होगा। आप कहीं के डीसी लग रहे हैं, आप कहीं के प्रधानमंत्री लग रहे हो। हाँ तो आशीष ने गाइस मुझे एक नया सूट दिया है, क्यों दिया वैसे, मेरा बर्थडे भी नहीं आज। मैंने तुझे भूवी के नाम का दिया। भूवी के नाम का दिया मींस भूवी के होने पे मुझे गिफ्ट दिया तूने? नहीं मैंने भूवी की मासियों को सबको गिफ्ट दिया था ना। अच्छा तो इसलिए तुझे भी दिया है, ठीक है मैं दिखाऊंगी। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया था तेरे जिम वाले सूट में, वो हाफ हाफ करके ना मुझे मजा सा नहीं, तो मैंने अपनी भड़ास यहाँ निकाली। तू भड़ास निकालने के लिए दे रही है मुझे पाएगी। हाँ हाँ मैं अभी दिखाऊंगी, और मैं अभी जाते हुए अपनी बुटीक वाली भाभी है ना उनको देके जाऊंगी और दिवाली पे पाऊंगी, ठीक है। खाना आते ही उस पर टूट नहीं पड़ते, आपको पता है आपकी फ्रेंड ब्लॉगर है और पहले वो ब्लॉग बनाएगी। कौन ऐसी दशी में जाए? ये पाव भाजी। तो फिर छोड़ो, चल खा के बता फिर, एक प्लेट और ऑर्डर करेंगे ना, पता है मुझे स्वाद है वैसे, देखने में यम्मी लग रही है। जल्दी रिव्यू दो मैडम, गरम थी गरम खा ली पानी मिर्चे नहीं, पर तू मंगवा ले मुझे भूख लगी। अच्छी लगी ना मतलब, ठीक है। कल चक्री है ना तो उसकी वजह से आज मार्केट में काफ़ी साल पहले ये भी गिफ्ट लेने आई है। लो हाँ देख लें नीचे आ जाइए, इधर से डेकोरेशन देखो यार, कितने से अंदर पैर रखने की जगह नहीं है, रश है पर डेकोरेशन तो माशाल्लाह राम बाजार में बहुत ही अच्छी चीज़ है। और सर जो है लाइटें भी जल जाएगी ना तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा यहाँ पे। भूवी अभी ना घर से फ़ोन आया था, नानी डांट रही है कह रहे जल्दी आ। अब देख मैं भूवी के पास आऊँगी तो मुझे दांत पड़ेगी, भूवी तो जल्दी से बेरा हो जाए फिर मैं तेको अपने साथ ही ले जाया करूँगी, ठीक है भूवी? ठीक है भूवी, हाथ पकड़ लिया भूवी ने कहा मासी मत जाओ ना, मासी थोड़ी देर रुको, मासी मुझे भी लेके जाओ, देखो देखो मासी मैंने तो अपनी लेग भी ऊपर कर ली कि मासी मुझे लेके जाओ अपने साथ, नहीं तो मैं पलटी मार लूँगी। मासी पूरा मैं कैमरे में फोकस दे रही हूँ, मासी कमेंट्री सही कर रहे हो मासी, जब मैं बड़ी होंगी ना फिर मैं आपको थैंक यू बोलूँगी कि मासी आपने मुझे बचपन से स्टार बना दिया था। अरे मासी अल्लाह शर्मा आ गई भूवी, शर्मा आ गई भूवी।
ये तो ऐसा लग रहा है वो भी ने कोई इज्जत ही नहीं दी मासी को। ऐसा क्या, ऐसा क्या नहीं ऐसे ही करती है। ठीक है कोई ना, मैं बच्चा है तू, कोई चक्कर नहीं। ठीक है बाय बूवी, बाय बाय बेबी। मम्मा जल्दी आएगी फिर से। तो ये शाइना ने ना मुझे गिफ्ट दिया आज, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी पर अब तो मेरी नियत आ गई, अब तो मना भी करेगी तो मैं ले लूँगी। तो बहुत सुंदर सूट है तो मुझे सिला हुआ डाल के फोटो भेजूंगी, रील बना के करके तो तुम मुझे दियो फिर मैं तेरा स्टेटस लगाऊंगी। थैंक यू मम्मा, मेंशन थैंक यू बूवी। ये वैसे बूवी कर लिया ना तो मैं बूवी को थैंक यू बोलती हूँ, आपको नहीं। मुझे तो गिराना ही है ना, तूने मेरे को तो दे दी मम्मा आपको, मैं इतनी इज्जत दे रही हूँ। देखो भूवी ने पलटी मार ली। भूवी थैंक यू बेबी, बाय बाय शायना, मिलते हैं फिर अगली छुट्टी में। ठीक है तो मार्केट से आ गई थी, मार्केट से आने के बाद अब जा रही हूँ टेलर के पास क्योंकि परसों ट्रिप पे भी जाना है ना घूमने के लिए, कहीं जा रहे हैं बताया था मैंने, तो वहाँ जाने के लिए सूट्स वगैरह बनने के लिए दिए हुए, पहले वो सूट्स लेंगे और जो अभी शाइना से सूट लिया मतलब शाइना ने जो सूट गिफ्ट किया वो भी स्टिचिंग के लिए दे देती हूँ, तो चलते हैं फटाफट। 15 मिनट्स लेटर। आज जिंदगी में पहली बार मैं आई हूँ यहाँ, दिखा होगा पता लग रहा होगा आज यहाँ पे ट्रेन की टिकट वगैरह बुक होती है। मेरे साथ आए हैं गरिमा मैम और दीपक सर, हेलो बोलो पीछे देख के दोनों। गरिमा मैम अभी तो बताओ हम कहाँ जा रहे हैं, डेट ऑफ जर्नी जुर्नी पहले इधर बताओ ब्लॉग में। हम 18 को कहीं घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मम्मा भी रिवील नहीं करेंगे। देखना कहाँ खड़े हो, बाहर पढ़ना जरा कहाँ खड़े हो, इधर पढ़ो कहाँ खड़े हो। क्या सर आप भी और कोई जगह नहीं मिली, यहाँ बैठ के भरो फॉर्म। इतनी मुझे पता ही नहीं था कि हमारे रेलवे स्टेशन में यहाँ पे ट्रेन बुक की टिकट वगैरह बुक होती है, तो आज पहली बार यहाँ पता लगा। 10 मिनट बाकी है, काउंटर बंद होने वाले थे, फटाफट भरो भाई जल्दी जल्दी भरो यार, जल्दी भरो। मेरे को कह रहे हैं मैं हाँ फॉर्म भर रहा हूँ, आप वहाँ पे काउंटर पे खड़े हो, काउंटर पे देखना मैं वहाँ पे खड़ी खड़ी होंगे। डेट ऑफ जर्नी 19 को तो वापस आना है ना, 18 को जाना है रिटर्न जर्नी का है। अच्छा ठीक है, एक काउंटर पे सर लगे, एक काउंटर पे गरिमा लगी है, फटाफट ये दोनों टिकटें ले और हम यहाँ से निकले घर जाए। जिम नहीं जा पा रही हूँ मैं इनकी वजह से, इतने दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए जिम मिस करा दिया मेरा। फाइनली हमारी ट्रेन की टिकट आ चुकी है, इधर से मतलब 6 बंदों की है, बाकी उधर से आ रही है लेके। अब हम कहाँ जाएंगे शॉपिंग करने? नहीं नहीं आज तो घर ही जाएंगे, कल जाएंगे शॉपिंग करने। ओके सर बाय, टिकटें आपके पास ही है, ले जाना मैं छोड़ दो कहीं। क्यों अब ठीक है, चलो ठीक है ठीक है बाय बाय, चलो गरिमा मैम बाय, चलो बैठ के जाना है। आज फिर से धीरज को चोट लगी, बेचारे को हॉस्पिटल जाना पड़ा, यहाँ लगी है उधर कर, ये देखो लड़ाई करके आया किसी से, गले गुले पे चोट लगी है वो तो हमें पता ही। गाइस आप देख के बताओ एक मिनट, ये कैसी चोट है, ये कौन सा खून जमना होता है, ये साफ पता लग रहा है इसने किसी से लड़ाई करी और किसी ने इसको गला दबाने की कोशिश करी और उसका नेल लग गया, ऐसा लड़ाक क्या है, ये हाथ पे भी लगी है। हैं चल डॉक्टर पे जाती हूँ, इंजेक्शन लगा कराती हूँ टेटनस का इसको, चल क्यों ना चल चुप कर गए, क्यों किसी ने तेरा गला दबाने की कोशिश करी, ऐसा क्या करा था तुमने, किसी की लड़की लड़की तुमने छेड़ दी थी, उसकी बात है देख लगे छेड़ दियो। वही है बेटा, एक बार कर ऊपर करके दिखा, मैं गाइस से पूछ लेती हूँ ऊपर कर ऐसे उस साइड पर। गाइस आप बताओ ये कोई खून जमना तो ऐसा होता नहीं, हमारे तो आज तक नहीं जमा मीना वाते खून, पक्का बेटा कुछ तो गड़बड़ है।